हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? तो देखिए, व्हाट डज अ स्पेशल पैकेज मीन फॉर PVTGs, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। ये टोटल 75 है नंबर में। अब चलिए देखते हैं ये है क्या। ऑन December 6, द ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर टोल्ड द राज्यसभा दैट द पॉपुलेशन ऑफ पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप PVTGs वॉज नॉट इन डिक्लाइन, साइटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाई द ऑफिसर ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया ORGI। दिस वॉज इन वेरियंस विद द स्टेट वाइज सेंसस डेटा प्रोवाइडेड बाई द मिनिस्ट्री टू अ पार्लियामेंट्री पैनल लास्ट ईयर। द नंबर ऑफ दिस ट्राइबल ग्रुप्स ऑलमोस्ट टू 40% इन एटलीस्ट 9 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इन द फर्स्ट डेकेड ऑफ दिस सेंचुरी। तो आप देखिए, मतलब दो फर्स्ट डेकेड ऑफ दिस सेंचुरी, मतलब आपके 2000 से 2010 में 40% पॉपुलेशन आपका कम हो चुका है। हु आर द PVTGs? पहली बात तो ये है कौन? इनिशियली नोन एज प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स, ठीक है, PTG। द PVTGs आर डिफाइंड बाय द गवर्नमेंट एज अ ट्राइबल कम्युनिटी दैट शो आइदर अ डिक्लाइनिंग और स्टेगनेंट पॉपुलेशन। तो इनका पॉपुलेशन या तो डिक्लाइन हो रहा है या तो रुका हुआ है। यूज ऑफ प्री एग्रीरियन टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, लो लिटरेसी एक्सेट्रा। तो यहाँ पे प्री एग्रीरियन टेक्नोलॉजी यूज हो रहा है, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है, लो लिटरेसी है, पढ़ाई लिखाई नहीं है। दे आर फाउंड टू बी लिविंग इन सम ऑफ द रिमोटेस्ट एंड मोस्ट इन एक्सेसिबल एरियाज इन दिस कंट्री। तो बहुत दूर रह रहे हैं हम लोगों से, हम लोग शायद उनको जानते भी नहीं और उन तक हम लोग पहुँच भी नहीं सकते। देर आर 75 सच कम्युनिटीज, देखिए मैंने बताया था 75 है। देर आर 75 सच कम्युनिटीज विच आर स्प्रेड ओवर 18 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट फिगर। अ बुक द पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स इंडिया प्रिविलेजेस एंड प्री प्रेडिकमेंट्स पब्लिश बाय द एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इन 2016 एंड एडिटेड बाय KK मिश्रा एंड अदर्स सेज दैट द हाइएस्ट नंबर ऑफ PVTGs आर फाउंड इन उड़ीसा 15, फॉलोड बाय आंध्र प्रदेश 12, बिहार एंड झारखंड 9, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ 7, तमिलनाडु 6, केरला गुजरात 5 ईच। द रेस्ट द राइटर सेड द स्केटर्ड इन महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल 3, कर्नाटका उत्तराखंड 2 एंड 1 ईच इन राजस्थान त्रिपुरा एंड मणिपुर। ऑल द 4 ट्राइबल ग्रुप्स इन अंडमान एंड 1 निकोबार आइलैंड आर रिकॉग्नाइज्ड एज PVTGs। द लास्ट अवेलेबल सेंसस दैट काउंटेड ऑल 75 कम्युनिटीज वॉज फ्रॉम 2001 विच पुट देयर टोटल नंबर अराउंड 27.6 लाख। इन द इंट्रोडक्शन मिश्रा एंड सुरेश पाटिल राइट दैट वन ऑफ द रिपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिवील दैट मोस्ट ऑफ दिस ग्रुप्स वर स्मॉल इन नंबर, हैड नो नॉट अटेंड एनी सिग्निफिकेंट लेवल ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड इनहेबिटेटेड रिमोट लोकेलिटीज विथ पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट, दस बिकमिंग द मोस्ट वल्नरेबल सेक्शन अमंग शेड्यूल ट्राइब्स नीडिंग स्पेशल अटेंशन। तो देखिए, यहाँ पे इन्होंने बताया कि इनका क्या क्या, इनको कुछ मतलब ऐसा प्रोग्रेस इनका हुआ नहीं है, इन्होंने साफ बता दिया, ठीक है। वॉट डज द PM जनमन एम्स टू डू? PM जनमन क्या है ये? द कैबिनेट सेक्रेटरी अप्रूव्ड ₹25,000 करोड़ प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान आफ्टर प्राइम मिनिस्टर अनाउंस द पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स डेवलपमेंट मिशन अर्लियर दिस ईयर That would take basic facilities like road, power, home, mobile connectivity, etc. to the most backward among the scheduled tribes, the PVTGs. The first announcement of this package came early this year during the budget session, when the finance minister Nirmala Sitharaman announced that the PM-PVTG development mission would be launched, for which government was planning ₹15,000 crore expenditure to be spent over a period of 3 years. Officials said that the package has seen massive contribution from the office of President Draupadi Murmu, who took a special interest in overseeing the plans. हाँ, इनका special interest बनता भी है। चलिए, how will it work? कैसे काम करेगा? The allocation cleared by the Union Cabinet on November 29 for this package stood at ₹24,107 crore, out of which the central share would be 15,000 crore and the share of respective states government would stand at 8,768 crore. The government said that government has said that as for the launch of package, there were a little over 22,000 villages where PVTG reside
and where this will be implemented. However, implementation of the program will be done through the 9 ministries, which will ensure that the existing schemes are taken to these PVTG inhabited villages. The targets that the government has set for itself are to build 4.9 lakh pakka home, lay 8,000 km of connecting roads, link all households with piped water, set up 1,000 mobile medical units, construct 2,500 Aganwadi center, 1,000 multipurpose center and 500 hostels, install mobile towers in 3,000 villages and so forth. The plan so intended to set up vocational and skill training center in 60 aspirational PVTG block, built 500 Van Dhan Vikas Kendra to help people trade in forest produce, in addition to connect 1 lakh of this household of the off-grid solar power system and bringing solar street lights. तो आप देखिए ये सारी facilities इन लोगों को देने की बात की जा रही है. Out of entire 25,000 crore allocation, more than 19,000 crore is just to build the pakka home under the PM Awas scheme and 8,000 km of connecting roads, which will be implementing by the Ministry of Road Transport and Highway senior official. तो देखिए सबसे ज़्यादा पैसा इनका किस में जा रहा है, घर बनाने में PM आवास स्कीम के अंदर और रोड बनाने में सबसे ज़्यादा पैसा इसमें जाएगा. ठीक है. डेवलपमेंट PVTG जस्ट ए स्मॉल कंपोनेंट ऑफ PM PVTG मिशन. द गोल आर टू बिल्ड रोड, टेलीकॉम कनेक्टिविटी, वाटर एंड सैनिटेशन. द मोनीज ऑफ दिस एफर्ट विल गो टू शेड्यूल ट्राइब्स कंपोनेंट्स STCs ऑफ द रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्रीज फ्रॉम वेयर इट विल बी अलोकेटेड फॉर डेवलपमेंट ऑफ दिस ग्रुप्स एंड ऑफिशियल एक्सप्लेन. The tribal affair minister budget estimates for 2020-24 showed that just rupees 256.14 crore allocated for development of PVTG. Ab isme challenges kya hai? What are the challenges? Ever since the announcement of package, officials of the tribal affair ministry have been making contact with 22,000 PVTG villages in order to understand the needs of each of them. Many of the officers were sent on tour to access village need, following which the detailed proposal was placed before the cabinet, which cleared the initial estimates of the package in November. However, even as the government proceeds to implement the project, the principal challenge facing it is lack of current data, which has already been flagged by the Parliamentary Standing Committee on Social Justice and Empowerment. While the Ministry of Tribal Affairs has said that it had started conducting baseline survey to measure the progress of the campaign, it is yet to compile an accurate and current mindset of their population. Even as per the population data submitted to the House panel last year, which was based on 2011 census, the government was unable to tabulate the population of PVTG in Maharashtra, Manipur and Rajasthan. The current project is thus going ahead with the estimate that the PVTG population is around 28 lakh. Further, the government has not made any results of the baseline survey public. It told Parliament this week no census since 1951 had announced for PVTG separately and has not submitted any data on their socio-economic indices to House panel either. In 2013, National Advisory Council NAC report on the state PVTG has recommended that as a first, the Ministry of Tribal Affairs should assign, design and conduct census specifically for PVTG communities to not just enumerate but also फाइंड आउट स्टेटस ऑफ एजुकेशन, हेल्थ एंड हाउसिंग. तो चैलेंज सबसे बड़ा यही है. अब देखिए मैं आपको बता दूं सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, जो हम लोग चैलेंज बोल रहे हैं, सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि इसमें हमारे पास पॉपुलेशन नहीं पता, पॉपुलेशन ऑफ PVTG हमें नहीं पता. हम जा रहे 28 लाख पॉपुलेशन है जो हमारा 1951 का सेंसस हुआ है पता चला है. ये मिनिस्ट्री को हमने बोला है कि भाई आप करो अपना, पर अब बस पॉपुलेशन, एजुकेशन, हेल्थ, हाउसिंग के लिए भी पता चलेगा उससे क्या फ़ायदा है क्या नुकसान है उन लोगों को, पर ये अभी तक हुआ नहीं है. राजस्थान, मणिपुर, महाराष्ट्र का तो अभी पता ही नहीं है कितना है, तो हम बस एस्टिमेट लेकर जा रहे. हो सकते हैं ज़्यादा हो सकते हैं काफ़ी कम हो, ये तो हमारा एस्टिमेट हो जाता है. अब आप देखिए इसमें और क्या क्या है, ये तो चैलेंज मैंने आप लोगों को बता दिया. सबसे पहले यहाँ पे हमारा आ जाता है स्पेशल पैकेज क्या है. ठीक है, और स्पेशल पैकेज से पहले है किसके लिए, PVTG. तो PVTG है क्या, तो यहाँ पे दिया है PVTG जो है आपके, देखिए वो या तो उनका पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रहा है या तो स्टेगनेंट है. पहले इनको प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप बोला जाता था,
डिफाइन कौन करता है? गवर्नमेंट करता है, ठीक है। और ये प्री एग्रीरियन टेक्नोलॉजिकल बैकवर्ड और इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, लो लिटरेसी, इनका ये ट्रेट है। और ये मोस्ट इनएक्सेसिबल एरियाज में रहते हैं। 75 कम्युनिटीज़ है 18 स्टेट्स और यूटीज़ में, ठीक है। और आप देखिए पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब्स कहाँ पर है, ये इनके बुक में दिया हुआ है। आंध्र प्रदेश में है, उसके बाद से आप देखिए उससे पहले उड़ीसा में है, फिर आंध्र प्रदेश में, देखिए उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, बिहार, झारखंड, ठीक है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, एमपी और छत्तीसगढ़, ठीक है, उसके बाद तमिलनाडु एंड केरला। तमिलनाडु में 6, केरला एंड गुजरात में 5। तो तमिलनाडु, उसके बाद से आप देखिए केरला एंड गुजरात, तमिलनाडु में 6, केरला एंड गुजरात में आ गए। उसके बाद से आप देखिए महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, उत्तराखंड, इसमें 2 है, इसमें 3 है, ठीक है, और उसके बाद से केरला और इसमें 5 है। तमिलनाडु में आप देखिए 6, छत्तीसगढ़ में 7, तमिलनाडु में 6, इसमें 7 आ गए। आंध्र प्रदेश में 12, उड़ीसा में 15, और किधर गया आपका, बिहार में 9, झारखंड में 9, और इसमें 7 है, ठीक है। और ऊपर आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ बच्चे हैं आपके, हैं राजस्थान, मणिपुर, त्रिपुरा, इसमें 1, राजस्थान, मणिपुर, त्रिपुरा, 1, ठीक है। अब तो ये तो हो गए, है क्या इनको, क्या है, आप देखिए कम्युनिटीज वॉज फ्रॉम काउंटेड कब हुआ था, 2001 में 27.6 लाख पॉपुलेशन है। अब इन ग्रुप्स पे स्मॉल नंबर है, कोई सिग्निफिकेंट सोशल स्टेटस और इकोनॉमिक प्रोग्रेस इनके साथ नहीं हुआ है, इसलिए इनके ऊपर ध्यान देना जरूरी है। पीएम जनमन क्या है? प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, तो ये तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है एक, ठीक है। और ये पीवीटीजी मिशन है, और गवर्नमेंट इसमें प्लान कर रही है, इतना द्रौपदी मुर्मू स्पेशल अपना ध्यान दे रही है इसके ऊपर। इसमें क्या है, पक्का हाउस बनाएंगे, कनेक्टिंग रोड्स बनाएंगे, वाटर सेटअप करेंगे, मेडिकल यूनिट बनाएंगे, आंगनवाड़ी है, मल्टीपर्पज़ हॉस्टल, मोबाइल टावर, ये सारी चीज़ें खरीदेंगे, मतलब बेसिक नीड्स जो है, बेसिक नीड्स, हाउस, रोड, हॉस्पिटल, मोबाइल टावर, ये सारी चीज़ें इसमें प्रोवाइड, वाटर, ये सारी चीज़ें इसमें प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। इस आर्टिकल में बस इतना ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहता है। एक बार चलिए देख लेते हैं कि पीवीटीजीज कहाँ कहाँ पर है। आप देखिए ये है लिस्ट, तो आंध्र प्रदेश में आप देखिए ऐसे, ये मैप से ही याद होगा, ये लिस्ट में आप कहीं नेट पे डालिए, टोटल 75 लिस्ट है यहाँ पे, ठीक है। अंडमान में आप देखिए, हमें क्या करना है, ये लिस्ट याद होनी चाहिए। अब जैसे बैगा पूछ देगा कहाँ पर है, नहीं पता, उसमें 4 ऑप्शन दे देगा, मध्य प्रदेश, केरला, कर्नाटका, गुजरात, बैगा पीवीटीजीज कहाँ पर है, या 4 नाम दे देगा, उसमें 4 ट्राइब्स के नाम दे देगा, एक कोरंगा डाल देगा, पूछेगा इसमें से पीवीटीजीज बताइए और कौन से पीवीटीजीज नहीं है, तो ये लिस्ट हमें याद रखनी है। तो इस आर्टिकल से तो हमें इतना ही पता चलता है कि पीवीटीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। 75 की लिस्ट हमें याद होनी चाहिए विथ स्टेट्स, ठीक है, ये हमें बिल्कुल अच्छे से याद होनी चाहिए, किसके लिए, प्री के लिए, और मेंस में फॉर्डर पॉइंट्स का काम करेगा। सो थैंक यू गाइज, प्लीज़ वर्क हार्ड टू अचीव ऑल योर ड्रीम्स, थैंक यू।